नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेडीयू लगातार अपना कुनवा बढ़ाने में जुटी है, तिनका तिनका जोड़कर अपने परिवार को, पार्टी को बड़ा करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज जेडीयू के पूर्व नेता इंजीनियर शंभुनाथ ने एक बार फिर जेडीयू का दामन थामा। हम आपको बता दें कि इंजीनियर शंभुनाथ सिन्हा जेडीयू छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए थे, लेकिन एक बार फिर जेडीयू में वापसी उनकी हो गई है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जेडीयू मेरा घर वापसी जैसा है। इस मौके पर इंजीनियर शंभुनाथ सिन्हा ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने पिछले 18-19 सालों में जो विकास का काम किया है वैसा कहीं नज़ीर देखने को नहीं मिलता। सुनिए शंभुनाथ सिन्हा को और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को शंभुनाथ सिंह के साथ जेडीयू में आने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को उन्होंने क्या कुछ नसीहत दी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और प्रदेश जनता दल यू के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हम सबों के अभिभावक तुल्य आदरणीय श्री मनीष वर्मा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री संजय गांधी जी, श्री ललन सराफ जी, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी, नवीन प्रसाद आर्या जी, हमारे साथ उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय श्री रमेश कुशवाहा जी, जहानाबाद के पूर्व सांसद श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी और हम लोगों के पुराने साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार जी। साथियों, मैं आज यह कह सकता हूं कि तकनीकी रूप से शायद भले ही आज जनता दल यू में मेरा मिलन समारोह बनाया जा रहा है, मगर व्यवहारिक रूप से मेरे हिसाब से यह मेरा घर वापसी ही है। साथियों, समता पार्टी के निर्माण के दौर से इस पार्टी के विचारधारा और इस पार्टी के नेता के प्रति एक जो विश्वास का भाव शुरू से हमारे मन में रहा है वह मिटता नहीं है। उसका इतना प्रभाव मन में रहता है कि किसी कभी कभी मतभिन्नता के कारण, और मैं समझता हूँ कि वो मेरी नासमझी ही रहती है कि मैं इस पार्टी से अलग भी हुआ, मगर हमें कहीं भी किसी के साथ भी मुझे काम करने में वो संतुष्टि नहीं रहा। हमेशा लगता है कि हमारी जो विचारधारा रही, हमारे पार्टी के नेता श्री नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा रही है वही मेरी विचारधारा है, और मैं बार बार इस पार्टी में चला आता हूँ। लेकिन मैं पार्टी नेतृत्व को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं जब भी आना चाहा इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, कभी भी हमारे लिए इन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। यह हमारा सौभाग्य है। एक इस अवसर पर मैं एक बात संक्षेप में बोलना चाहता हूँ। साथियों, यह जो दौर चल रहा है, राजनीतिक दौर, इस दौर में श्री नीतीश कुमार जी का विकल्प कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, और जब तक नीतीश कुमार जी हैं तब तक उनका विकल्प बिहार में नहीं है। ये लोगों को समझना होगा। आप बड़ी संख्या में हर जिले से प्रतिनिधि साथी आए हैं और उसमें ब्रह्मर्षि समाज के और ब्रह्मजन विचारधारा के ज्यादा लोग हैं। एक आग्रह इस अवसर पर करना चाहता हूं। साथियों, पिछले 2020 के चुनाव में यह विचारधारा थोड़ा दिग्भ्रमित हुआ, थोड़ा उनके भीतर भटकाव हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ? बिहार कितना कमजोर हुआ
और जो नीतीश कुमार जी को कमजोर करने की साजिश करना चाहते हैं, दरअसल वो बिहार को कमजोर करने की साजिश करते हैं, तो वो एक हमारे लिए उदाहरण है। और वो थोड़ी सी आपकी नासमझी से कुछ ऐसे नेताओं के मन में दिन में ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने आने लगे, मानो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए हैं। लेकिन उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने बिहार की जनता के लिए बड़ा ही भयावह सपना के रूप में है, तो इसका परिणाम हम देख चुके हैं। आपकी एक विशेष जिम्मेवारी आज बनती है, जब आप इस पार्टी के परिवार के सदस्य के रूप में आ गए, तो ये संकल्प लीजिए हम लोग कि वो जो गलती थोड़ा बहुत हुआ है 2020 के चुनाव में, वो 2025 में उसको दुरुस्त करना है, उसको दुगनी गति से उसको ताकत देना है, ताकि उन लोगों के मन में जो मंसूबे जो लोग पाल रखे हैं कि हम अब तो बिहार के सत्ता में आने वाले हैं, उनके मंसूबों को ध्वस्त करना है, यही संकल्प लेना है। और इसमें आप सबों की भूमिका है, और पार्टी नेतृत्व ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि आपके और पार्टी के बीच में कोई संवादहीनता नहीं रहेगी, आपको संवाद वाहक बनना है आगे, और अपने समाज में अपने लोगों को स्वामी सहजानंद सरस्वती के जो विचारधारा के लोग हैं उनको बीच उनके बीच जाके उनको बताना है कि जो गलती 2020 में अगर थोड़ी बहुत हुई, वो गलती अब नहीं होगी, श्री नीतीश कुमार जी को फिर से एक बार 2025 में एक पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाएंगे, बिहार के विकास की गति उसी दिन से तेज हो जाएगी। मैं एक बार फिर सभी अपने नेतृत्व जो हमारे बंधु हैं यहाँ पे नेतृत्व करता है, हमारा पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आप सबों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय जनता दल। और जिनके साथ शंभुनाथ सिन्हा जी के साथ जो आए हुए हैं, सैकड़ों इनके साथ इनके टीम के साथीगण, आप सबों का जनता दल यूनाइटेड पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, नाम हमारे वासुदेव जी रख रहे थे कई लोगों का कि आज मिलन समारोह में उन्होंने इनके साथ साथ जो मिले हैं, मैं फिर से हृदय की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने गौर किया होगा, इधर लगातार हमारे जो पुराने साथी जो इधर उधर थे, वो हर रोज निमंत्रण पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आ रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख किधर है, राजनीतिक रुख। इन्होंने ठीक ही कहा है कि हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न पहले कोई विकल्प था, न आज है, न आ रहा आगे होगा। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के पहले किस तरह हम सबों के नेता के बारे में, हमारे पार्टी के बारे में किस तरह से लोग प्रचार प्रसार करता था, दुर्प्रचार, उसका क्या हुआ आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने पार्टी का, हम 12 सीट पर 16 सीट पर चुनाव लड़े, 12 सीट जीत हासिल किए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना बेहतर प्रदर्शन हुआ कि एनडीए के 30-30 सीट हम लोग के पक्ष में आया। तो हम लोग ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो हमारे आने वाला जो मिशन है 2025, उस मिशन के कामयाबी के लिए भी जो आज जो शंभु इंजीनियर शंभुनाथ जी जो हमारे नेता के जो न्याय के साथ विकास की धारा चल रही है, इस मुहिम के तेजी करने के लिए जो इन्होंने आया है हमारे नेता के, जो आज हमारे नेता जो समाजवाद की उन विचारों को उनको जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे आप देख रहे हैं पर्दा के पीछे यहाँ स्टेज पर देख रहे हैं गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, इनके आदर्शों को विचारों को सरजमीन पर उतारने का काम एकमात्र नेता किया है, वो है नीतीश कुमार।
जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, काम के गिनाऊं तो अनगिनत काम है, 500 से अधिक योजनाएं चल रही हैं। कौन कौन सा योजना के बारे में मैं चर्चा करूं, लेकिन जो मानव के मानवीय आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं, जिनके बिना विकास संभव नहीं है, तो अब देखेंगे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें तो क्रांति की ही क्रांति आई। हम आप ही से जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि हर घर पानी, नल का जल किसने पहुंचाया है, हर घर शौचालय निर्माण किसने कराया है, हर घर तक के गली नली निर्माण किसने कराया है, आप सोच नहीं सकते हैं। जहां की बहू बेटी कभी चार चक्का से घर नहीं गई होगी, वहां भी सत्तह लीज लेकर जमीन दाता को चार गुना सर्कुल वैल्यू से देकर सड़क निर्माण कराने का काम हम सब के नेता करते हैं। इसीलिए काम की चिंता नहीं करना है, काम के लिए तो दिन रात हमारे नेता सोचते रहते हैं कि बिहार की तरक्की कैसे हो, आपकी तरक्की कैसे हो, आप खुशमय कैसे रहें, आपकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, हर स्थिति की कैसे सुधार हो, इसलिए इसकी चिंता नहीं करना है। चिंता इस बात की करना है जो आज इंजीनियर शंभुनाथ सिंह जी लौट कर आए हैं, इन्होंने चर्चा किया है 20 में परिणाम पर, इतना काम करने वाला व्यक्ति। और आप लोग ने देखा कि जो लोग कुछ लोग इधर कट गए, इधर उधर हो गए, जो परिणाम आया, परिणाम अभी जो देख रहे, जो भी परिणाम आया है लोकसभा चुनाव में, ये परिणाम बहुत अच्छा परिणाम आया एनडीए के पक्ष में। जो लोकसभा परिणाम आया है, ये हम लोग ने जो जीता है उसमें जो विधानसभा का जो आंकड़ा निकल कर आया है 177 एनडीए के पक्ष में है, जिस पर सीट हमारी बढ़त है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 74 सीट पर आगे बढ़त पर है, 68 सीट पर बीजेपी है, 35 सीट पर आरजेडी है। तो जो आरजेडी जो हमारे नेता के बारे में बोलते थे, हमारे दल के बारे में बोलते थे कि दल समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, उसका क्या हर्ष क्या हुआ देख रहे हैं। इसीलिए आप लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि दल में आए हैं, आप सबों का फिर से स्वागत है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो काम है, जो इनका 18-19 वर्षों का जो काम है, जो कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, इसको आप जन जन तक के, घर घर तक के पहुंचाने का काम करिए। और जो आप आशा उम्मीद विश्वास के साथ आए हैं दल में, हम आपको पूरा पूरा पार्टी आपका मान सम्मान स्थान का पूरा पूरा ख्याल रखेगी। बस हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग जो है, जो कल्याणकारी योजना चल रही है सरकार की ओर से, हमारे नेता जो चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको घर घर तक पहुंचाइए। 2025 बेहतर होगा, सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड उभर कर आएगी, उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।